हेलो चिल्ड्रन टेंथ क्लास के आज के लेक्चर में हम इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स देखेंगे कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस को कैसे लिखा जाता है तो केमिकल रिएक्शंस की इक्वेशन लिखने के दौरान हमें चार स्टेप फॉलो करने होते हैं सबसे पहला स्टेप होता है केमिकल रिएक्शन को वर्ड इक्वेशन की फॉर्म में लिखो रिएक्टेंट को लेफ्ट साइड में लिखो प्रोडक्ट को राइट right साइड में लिखो दूसरे स्टेप में क्या करना होता है सभी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो वर्ड इक्वेशन में लिखे हैं उनके सिंबल और फार्मूले लिखिए फिर क्या करना होता है जो सिंबल और फार्मूले हैं सबसे छोटे पॉसिबल फिगर को उठाकर उस इक्वेशन को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए सिंबल्स को मल्टीप्लाई करके आप इक्वेशन बैलेंस करने के दौरान फार्मूले चेंज नहीं करेंगे लास्ट स्टेप में कहता है कि यदि पॉसिबल है तो इक्वेशन को ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाइए कैसे उनकी फ़िजिकल स्टेट इंडिकेट कीजिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की ईट चेंज इंडिकेट कर दीजिए और वो कंडीशंस भी आप इंडिकेट करेंगे जिनमें रिएक्शंस हो रही है इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए अब हम कुछ प्रॉब्लम सोल्व करेंगे सबसे पहली प्रॉब्लम कहता है मीथेन ऑक्सीजन में बर्न हो के कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाती है तो इस इक् के रिएक्शन के लिए हमें बैलेंस्ड इक्वेशन लिखनी है सबसे पहले वर्ड इक्वेशन हम लिखेंगे मीथेन प्लस ऑक्सीजन चेंजिंग इनटू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर फार्मूले आपको पता है का सी एच फोर ऑक्सीजन का ओ टू कार्बन डाइऑक्साइड का सी ओ टू और वाटर का एच टू ओ तो ऊपर वाली वर्ड इक्वेशन में जो भी फार्मूले थे वो हमने रख दिए ये इक्वेशन हमारे पास आ गई सी एच फोर प्लस ओ टू चेंजिंग इन टू सी ओ टू प्लस एच टू ओ अब हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अंदर एटम्स को काउंट करते हैं रिएक्टेंट में कार्बन एक है प्रोडक्ट में भी कार्बन एक है रिएक्टेंट में हाइड्रोजन चार हैं प्रोडक्ट में हाइड्रोजन दो हैं रिएक्टेंट में ऑक्सीजन दो हैं और प्रोडक्ट में ऑक्सीजन तीन हैं तो जो नंबर ऑफ कार्बन एटम है वो इक्वल है दोनों तरफ कितने कितने एक एक लेकिन जो हाइड्रोजन एटम हैं और जो ऑक्सीजन एटम है वो इक्वल नहीं है चार हाइड्रोजन लेफ्ट में है दो हाइड्रोजन एटम जो हैं वो राइट right में हैं तो राइट right में चार हाइड्रोजन करने के लिए वाटर को आप दो से मल्टीप्लाई करोगे जब वाटर को दो से मल्टीप्लाई करोगे तो इक्वेशन क्या हो जाएगी सी एच फोर प्लस ओ टू चेंजिंग इन टू सी ओ टू प्लस मै टू एच टू ओ अब दोबारा से हम दोनों साइड के नंबर फिर गिनेंगे कार्बन दोनों तरफ फिर से एक एक है हाइड्रोजन अभी इधर चार हैं इधर भी दो दूनी चार हो चुके हैं ऑक्सीजन वैसे ही पहले दो थे और इधर कितने हैं आपके दो यहाँ और दो यहाँ चार हो गए तो सिर्फ अब ऑक्सीजन एटम की संख्या बराबर नहीं है दो ऑक्सीजन लेफ्ट साइड में हैं लेकिन राइट साइड में चार हैं तो लेफ़्ट में चार ऑक्सीजन बनाने के लिए O2 को दो से मल्टीप्लाई करो और इक्वेशन क्या हो जाएगी सी एच फोर प्लस में टू ओ टू चेंजिंग इन टू सी ओ टू प्लस में टू एच टू ओ अब क्या करोगे अब फिर से दोनों साइड के एटम गिनोगे तो कार्बन भी एक दोनों तरफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में हाइड्रोजन दोनों तरफ चार चार और ऑक्सीजन दोनों तरफ चार चार तो ये केमिकल इक्वेशन अब अलग अलग टाइप के एटम के इक्वल नंबर शो करती है दोनों तरफ तो इसका मतलब ये इक्वेशन अब क्या है बैलेंस से हो चुकी है ऊपर वाली क्वेश्चन को और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाना है तो हम क्या करेंगे फिजिकल स्टेट मेंशन कर देंगे मीथेन गैस है तो सी एच फोर के सामने जी लिख दो ऑक्सीजन गैस है तो ओ टू के सामने जी लिख दो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है तो हम सी ओ टू के सामने जी लिख सकते हैं अब एच टू ओ की फिजिकल स्टेट के बारे में क्या कहोगे अगर रिएक्शन एक्वस मीडियम में होती है तो H2O जो है वो लिक्विड स्टेट में है तो हम H2O के साथ L लिख देंगे अगर रिएक्शन वेपर फेज में होती है तो वाटर गैसीय स्टेट में है तो हम उसको कैसे रिप्रजेंट करेंगे तो यहाँ पे हम वाटर को जी से रिप्रेजेंट करेंगे गैसीय स्टेट में इस केस में मीथेन गैस ऑक्सीजन गैस में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर वेपर या स्टीम बनाती है तो वाटर जो है वो यहाँ पर गैशियज स्टेट में होता है इसलिए हम वाटर के लिए क्या लिखेंगे एच टू ओ जी यदि हम सभी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की फिजिकल स्टेट मेंशन करते हैं तो ऊपर वाली इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं सी एच फोर जी टू ओ टू जी सी ओ टू जी और टू एच टू ओ जी अब हम ये डिस्कस करेंगे क्या रिएक्शन में कोई हीट चेंज हो रहा है इस वाली में जब मीथेन ऑक्सीजन में जलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है इस केस में बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है तो जिसमें हीट प्रोड्यूस होती हो आपको बताया गया था वो कौन सी रिएक्शन होती है एग्जोथर्मिक और एग्जोथर्मिक रिएक्शन में हीट के को प्लस के साइन के साथ कौन सी साइड में रिप्रेजेंट करना होता है प्रोडक्ट साइड में तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी सी एच फोर प्लस टू ओ टू सी ओ टू प्लस में टू एच टू ओ और प्रोडक्ट साइड में आप क्या लिख दोगे हीट ये इक्वेशन अब आपको रिएक्टेंट और फिर प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट भी शो करती है और इसके साथ साथ रिएक्शन में होने वाले हीट चेंज भी इसमें इंडिकेट किए गए हैं तो अब अब ये जो इक्वेशन है बेटा ये पूरी तरीके से इन्फॉर्मेटिव इक्वेशन है ऐसे ही आपको बहुत सारे एग्जांपल दिए गए हैं आप इनकी ट्राई करें कोई क्वेरी रहती है तो आप मुझे मैसेज कर दें आपको सॉल्यूशन मिलेगा जैसे कि यहाँ पे कॉपर सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन दी गई है कॉपर हाइड्रोक्साइड और सोडियम सल्फेट बनता आप इसको बैलेंस करने की ट्राई करें और एग्जाम्पल आपको दे रखे हैं यहाँ पे जैसे कि आयरन और स्टीम की इक्वेशन दे रखी है आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन बन तो आप इन सब को ट्राई करेंगे लाइव क्लास के दौरान मैं आपको ये डिस्कस करके बताऊ भीगा ये बहुत सारे सैंपल प्रॉब्लम्स हैं आप सब की ट्राई करें क्वेरी के लिए आप मुझे मैसेज छोड़ दें नेक्स्ट लेक्चर में बेटा नेक्स्ट एडिंग डिस्कस करेंगे जो क्या रहेगा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन टिल देन थैंक यू हैव ए नाइस डे